ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली सरेना बीच रिजॉर्ट है। ये बीच रिजॉर्ट है पूरा, और इसका पिछला हिस्सा है जहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कि जो कि इसका प्राइवेट बीच है। ये पूरा प्राइवेट बीच, एकदम क्लियर सैंड है इस बीच में। आप देखें तो एकदम क्लियर सैंड हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ना। और देखिए अथाह समुद्र है, काफ़ी लंबा जो है वो हिस्सा इसका जो है ओशियन ने घेरा हुआ है पूरा। देखिए वोटिंग भी यहाँ पर हो रहा है, दूर देखिए वो। और गुजरात में एक अच्छी बात देखी मैंने कि यहाँ पे बहुत सारा जो है विंड मिल लगे हुए हैं काफ़ी, मतलब जो अल्टरनेट एनर्जी है उसका ये बड़े पैमाने पर ये लोग यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। समुद्र की आवाज़ सुनिए आप, मुझे मालूम है आप सब लोग पढ़ रहे होंगे इस समय, आप लोगों के पढ़ने का समय है ये पूरा, और क्लासेस चल रही होंगी। पर चूंकि अभी क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में, अरे मैं अपने तरफ तो कर लूँ कैमरा झट के, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक होता है LTC समझते हैं आप, लीव ट्रेवल कंसेशन। तो भारती को जो है वो छुट्टी मिलती है सरकार की ओर से कि आप जाकर जो है वो कहीं स्टे कर सकते हैं, घूम सकते हैं इंडिया में कहीं पर। तो हम लोग फिर प्लान किए कि चलो फिर गुजरात चलते हैं ना, भुज चलते हैं। भुज में मांडवी है, यहाँ पे वो वाइट सैंड वाला जो होता ना, क्या बोलते हैं उसको यार, रन ऑफ कच्छ में जो है वो, वहाँ सफ़ेद रेत होती है। तो हमने कहा चलो वो भी देखेंगे जाकर। तो यहाँ पर जो है, तो आपको मैं सीन दिखाता हूँ। देखिए आप, ये जो है ना, ये हमारा रिजॉर्ट है। देखिए आप, ये जो है बाउंड्री है इसकी, आप देखेंगे तो ऊपर जो है ये जो हट जैसा बने हैं, ये इन हट में हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, और ये पूरा रिजॉर्ट का ही एरिया है। और ये पर्सनल बीच है इसमें, इसमें यदि हम देखें तो ये पूरा जो है वो पर्सनल बीच बना हुआ है इसमें, ये पूरा है ना। और अब आप बोलोगे सर आप गोलमोल हो गए हो, आप मोटे हो गए, यार कैमरे का सेटिंग ही ऐसा होता है, इतने पास से तुम करोगे ना तो तुम भी मोटे दिखाई पड़ोगे ना, तुम्हारे कहने पे ना, फोर्स करने पर जो है वो 5-7 किलो वजन भी कम कर लिया हमने, खाना पीना भी बंद कर रखा है इस समय है ना, और कितना पतला हो जाए, अब तुम्हारे से थोड़ी ना हो सकते यार है ना तुम। अच्छा पेपर है, अरे बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल आओ कभी, तुम बुलाओगे वेस्ट बंगाल जरूर आएंगे यार है ना, तुम बुलाओगे। अभी छाया में बैठते, थोड़ा एकदम तेज़ धूप है यहाँ पे, तो चेयर थोड़ा पीछे लेते हैं इसका हम, ये हाँ चलो बतिया ही लेते हैं हम लोग, जब तक बातें ही कर लेते हैं इसमें। तो समुद्र की आप आवाज़ सुनिए आप, चाहे वो डिफरेंट, एक मिनट मैं किसको कहीं लगाता हूँ उसको कैमरे को, हमारे गांव या देखो किसी ने, कोई कितना अच्छा है दिल का, उसने लिखा सर यू लुक हैंडसम है ना, कोई कितना अच्छा है दिल का है ना। बाकी लोग तो बोलते सर आप बहुत मोटे हो गए आजकल, इसका हाँ। अरे यार हमारा ट्राइपॉड काम नहीं कर रहा है, जस्ट यस नाउ इट इज फिक्स्ड। हाँ अच्छा, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है आप लोगों का, अच्छा अच्छा। समुद्र देखो ना यार तुम्हें ना, चलो थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं हम, तुम्हें दिखाते हैं थोड़ा, देखो है ना, ये हमारे यहाँ से जो है वो देख रहे हैं आप, देखिए ना, तुम सब लोग अपनी अपनी जगह बुलाते हो कि यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, अरे कुछ ऐसा काम करो कि हम आए तुमसे मिलने के लिए यार है ना। मैडम सो रही है भाई, थक गई सुबह से उठ के फ्लाइट पे आए, तो उनका तो अब कहीं पहुँचने के बाद पहले जो है ना वो सोने का काम होता है उनका। मुझे याद आई कि मैं किससे बात करूँ मैं, तो मैंने कहा यार मेरे को किसी और से बात करने का जरूरत ही नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा बच्चा है, मेरे पास में बहुत सारे मेरे कमांडो से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनसे ही बात करता हूँ, किसी और से बात क्यों करूँ मैं बाहर। सर वी मस्त सर, पहले बताओ यार, देखो इसकी आवाज़ सुनो यार, देखो कितना अच्छा लगेगा, मैं तुमको थोड़ा पास लेके चलता हूँ इसके, वी शुड कम क्लोजर, चलते हैं पास जरा है ना। देखो हम तुमको ले चलते हैं इसके पास से चल रहे हैं, पता नहीं हमारे जूते कितने ख़राब होंगे रेत में ये, अरे पूरा सैंडी सैंड यार है ना, धूप भी तेज है। देखो हम जहाँ से आ रहे हैं वो जगह देख के तुम्हें अंदाजा लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं है ना, ये बीच बिल्कुल तुमको हम
समंदर के पास ले चलते हैं भाई, ठीक है। ये देखो आवाज सुनो इसकी, जरा क्वालिटी यार पता नहीं, ये इंटरनेट जो है उसी का है ना बेटा, मोबाइल का इंटरनेट, इसलिए क्वालिटी थोड़ा कम दिख रहा होगा तुम। तुम धूप में हो पर बीच नहीं है। पुर्तगीज बेटा वॉर, हाँ फाइसेलिया, यस 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 यार, कोई है, कोई तो है जो सच में पढ़ रहा है इस समय भी। नहीं वाटर एनिमल कहाँ से दिखा दूँ यार यहाँ पे, चैनल अभी शाम के समय आएंगे, बीच में तो शाम को कुछ दिखाते तुम्हें हम इसमें, ठीक है। अभी तो दिखा पाना बहुत मुश्किल काम है यार अभी, है ना। देखो आप ना काउंसलिंग कब होगी यार, काउंसलिंग कुछ अता पता नहीं चल रहा फिलहाल में भी। शांत होके हम समुद्र की आवाज सुनते हैं। डुबकी हो जाए सर, समुंदर है, कोई पूल नहीं है, स्विमिंग पूल मतलब, तुम तो मारे ही दो मतलब, डुबकी हो जाए समुंदर में ना, ये समुद्र भाई, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है ये। मतलब डुबकी हो जाए सर उसमें। मजे ले रहे मतलब कि सर डुबकी वाला मार लो आप, यही कर रहा बच्चा है बस। चलो अच्छा, मजा आ रहा है सर। इवोल्यूशन खत्म, अच्छा इवोल्यूशन कैसा लगा आप लोगों को बताओ, पढ़ने में मजा आया नहीं आया? ऐसा तो नहीं था कि तो कुछ लेक्चर असाइंड था तो आपको बहुत बुरा लगा हो, बोर लगा हो आपको कि सर जो है वो। अने आदित्य रूम में ही है अभी ना सर, डांस करके दिखाओ आज, शाम को करते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी होगा डांस, तो फिर डांस का भी लाइव टेलीकास्ट करूंगा तुमको मैं, है ना। बीच कौन सा है बेटा? ये मांडवी बीच है, मांडवी जो है ना जो जिसको बोलते हैं अपन, ये गुजरात के पास भुज से 1 घंटे की दूरी पर है, गुजरात में जो भुज है भुज से जो है वो 1 घंटे की दूरी पर है मांडवी के, तो मांडवी का बीच है ये। एक्चुअली ये बीच जो है वो प्राइवेट बीच है ना, ये यहाँ पर पब्लिक बीचेस भी अवेलेबल हैं पर दिस इज दी प्राइवेट बीच। और ये देखो आ गया अगला का, हमारा एक पर्सनल कमांडो भी आ गया यहाँ पर। ये देखो लोगों से क्या पूछते पूछते आए तुम, लाइव चल रहा है, सब्सक्राइब हो तुम मेरे, सब्सक्राइबर हो तुम मेरे, अरे वाह यार मुझे पता नहीं तुम मेरे सब्सक्राइबर हो। तो तुम ये बताओ तुमको कैसा लगा समुद्र के पास आके? ठीक है, बस ठीक ही है मतलब, इतना उसके बाद जो है ना इतना दूर तक आए हम लोग, सुबह सुबह रात को 3 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ कर आए हम लोग, इतना उसमें अच्छा ही तो सेम चौपाटी में भी। देखो भाई इसने तो जो है, इसने जो है वो हाँ, देखो किसी ने लिखा छोटे गोलू मोलू मतलब बड़ा, बड़ा गोलू मोलू मतलब मैं हूँ ना, ये छोटा गोलू मोलू तो बड़ा गोलू मोलू मैं है मतलब, है ना, ठीक है। तो देखो आलिया तुम्हारे बारे में मुंबई में बोल रहा है, मुंबई में बीच में चौपाटी, जूहू चौपाटी में भी दिख जाता है ये वाला बीच, इसके लिए क्यों आए यार? यार आलिया तुमने पूरा ट्रिप पूरा, हाँ अरे वाह, तुमने पूरा ट्रिप का मजा किरकिरा कर दिया तुमने ये बोल के कि तो बॉम्बे में भी दिख जाता है। अरे कुछ तो फर्क है ना, तुम सिर्फ कच्छ के लिए आए थे। हाँ। तो कच्छ में ऐसा क्या है जो तुमने, तुम्हें देखना है? सफेद। और कच्छ के बारे में तुमने एक डायलॉग सुना अमिताभ बच्चन का, वो डायलॉग क्या है? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाँ। तो सच, अरे आज तुम कच्छ के लिए आए हो। हाँ। अच्छा रेत का शाम को, शाम के समय थोड़ा ठंडा होगा, आएंगे तो अपन रेत का तुम घर बनाओगे यहाँ पे? अरे ये तुम पता है, ये सारे के सारे कमांडो जो है ना, ये सारे कमांडो जो है ना, ये सब के सब जो है ना, तुम्हारा वो वाला लेक्चर भी देखे हुए हैं ना, जिसमें तुम बताते हो ना पुर्तगीज में ना वॉर के बारे में तुम बताते हो, फाइसेलिया। भाग जाओगे? अच्छा चलो, कोई कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात ही बता दो यार, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे के सारे यहाँ पर।
कोई तुम्हें सीक्रेट पता हो ऐसा जो हम लोगों को नहीं पता हो, जो जो ऐसी चीज सोच रहा है? ये अनय जो है पढ़ने में भैया बड़ा इंटरेस्ट रहता है, सीओ को सीखता है, मतलब कई बार इसको हाँ दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी ना बेटा। तुमने हमारे कौन कौन से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं? सारे नाम बताओ जो चैनल के, मान जाऊँ आईआईटी प्रेप और ओके और अच्छा सब चैनल सब्सक्राइब, भैया सब चैनल सब्सक्राइब कर रखे इसने है ना, सब चैनल सब्सक्राइब कर रखे इसने। चलो सो तो अच्छा ये बताओ, चलो खाना आपका समय 10 मिनट हो के आसपास हो गया, आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे हम, ये बताओ मेरे को कैसा लगा आप लोगों को। मैं इसके बीच बीच में आपके कुछ, जब अभी से हम लोग किले में जाएंगे कहीं जाएंगे तो मैं कुछ कुछ सेशन आपके करते रहूँगा बीच में, क्योंकि इंटरनेट से वीडियो अपलोड करना दिक्कत होता है, इससे बेहतर है कि लाइव कर दो, तो लाइव में क्या होता है ऑटोमेटिक वो यूट्यूब खुद ही संभालता है कार्यक्रम पूरा। ठीक है चलो मिलते हैं, पढ़ाई करो आप अच्छे से है ना अपना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हाँ यार रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर पर जो है हमने बहुत मन से पढ़ाते हैं उस चैप्टर को, पता है कि हमको इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इवोल्यूशन ये जो चैप्टर है ना ये हमारे बहुत दिल के करीब है एक्चुअली है ना। मैं एक चीज बोल डायनासोर के बारे में एक चीज बोल सकता हूं। हां डायनासोर के बारे में बता दो। अच्छी डायनासोर जो थे कुछ डायनासोर गए नहीं है, वो इवॉल्व कर गए थे जैसे कोई मॉडर्न बर्ड्स में इवॉल्व कर गए। अच्छा ये बोल रहा है डायनासोर कहीं गए नहीं, वो मॉडर्न वर्ल्ड में इवॉल्व कर गए। ये तुम्हें कैसे मालूम चला? बुक्स से मालूम चला। अच्छा तो उसके लिए मैंने कुछ प्लान करके रखा था। अच्छा तो तुम्हें ऐसा क्या फीचर दिखाई पड़ता है वर्ड्स में जिसको देख के तुम बोल सकते हो कि वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं या डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं? मैंने बस बुक में पढ़ा था। अच्छा बुक में पढ़ा था, कुछ देखा तुमने गौर से उसमें? जैसे उनके पैरों पर जो स्केल्स होते हैं वो रेप्टिलियन फीचर होता, पता है? उसे क्या बोलते हैं पता है? मोल्टिंग बोलते हैं, मोल्टिंग। ये अनय जो है वो क्लास 3 में है अभी। आपको तो 2 लगता है, आपने बोल दिया था क्लास 2 में, आपने बोल दिया था ना एक वीडियो में कि क्लास 2 के बच्चे को म्यूटेशन पता है। मैं 2 का नहीं हूँ, मैं एक्चुअली क्लास 2 नहीं हूँ, मैं क्लास 3 हूँ। अच्छा तुम यही बता दो म्यूटेशन क्या होता, चलो यही बता दो। म्यूटेशन जैसे इवॉल्व कर जाते हैं। नहीं यार म्यूटेशन का इवोल्यूशन अलग चीज़, म्यूटेशन क्या होता है बताओ, वो सोच के बताओ ना क्या होता है। म्यूटेशन बदल जाते, क्या बदल जाते हैं? Like, जब वो थोड़े अच्छा हम जैसे दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं हम, तुम जैसे दिखते हो तो तुम वैसे ही क्यों दिखते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? जेनेटिक्स। अरे वाह क्या बात है, वाह तुम्हारे अंदर तो मम्मा का डीएनए डोमिनेट करता होगा 100%। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्यों क्यों बोला तुमने? मम्मा का डीएनए खराब है क्या? नहीं। मम्मा सुनेगी तो क्या बोलेगी? मैंने कब बोला कि मेरे डीएनए पे क्वेश्चन उठा रहा है लड़का? हाँ अच्छा ये बताओ तुम ऐसे जो है वो गोरे गोरे क्यों हो ऐसे, और हमारा कलर तुमसे कम क्यों है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? नहीं पता। अच्छा तुम्हें पता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? ना पढ़ना चाहोगे? नहीं पढ़ना चाहोगे? तुम ही बता दो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है भाई। हाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या होता है? देखो वो ज्ञान की बातें कर रहा है। अच्छा पता है तुम लोग, अच्छा एक बात बताओ तुम, समुद्र का जो पानी होता है ना पता है इसका इसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैसे नापते पता है? कैसे? PPT बोलते हैं उसको, पार्ट पर 1000 बोलते हैं, ठीक है ना। NCERT में मेंशन है इसके बारे में कि फ्रेश वाटर 5 से कम होता है तो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है ना, 5 से अधिक 30 से 35 होता है तो वो समुद्र का होता है, और ना अधिक होता है तो फिर वो अपना हाइपर सलाइन हो जाता है। चलो भाई ना अब तुम पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा आलिया बाय बाय कर दे सबको, बताओ बाय बाय। चलो मिलेंगे, मिलते रहेंगे हम लोग है ना, मैं बीच बीच में सेशन लेता रहूँगा आप लोगों के। अच्छा लगा मुझे आप सब लोग आ गए मिल, जो है अकेला अकेला फील हो रहा था, भारती सो गई है तो यहाँ पे मैं बाहर आया, मैंने चलो आपसे ही बात करते, बड़ा मज़ा आया। कितना टाइम 15 मिनट निकल गया मालूम ही नहीं चला। चलिए हाँ बोलो। और दूसरी मैं भी घर बैठते बैठते बोर हो रहा था, मैं फ़ोन देख रहा था वैसे तो,
मैंने सोचा कि फोन देखने से अच्छा ट्रिप में आया, फोन नहीं देखता हूँ मैं, तो आपके पास आ गया। देखो कितनी अच्छी बात बोला, ट्रिप में आए तो फोन नहीं देखेंगे, कुछ बातें करेंगे हम। बाय बाय। बाय बाय।